हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले आरडीपीबी डिप्लोमा के मैथमेटिक्स 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हमारे डिप्लोमा वाले बच्चों को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। क्या पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में? मैथमेटिक्स 2। तो इसी मैथमेटिक्स 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एग्जाम का प्लान भी बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़कर जाना और कितना पढ़कर जाना है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। देखो यार, प्रॉब्लम बहुत है डिप्लोमा वालों के साथ। प्रॉब्लम क्या है कि अब क्या था ना, इससे पहले सिलेबस कुछ अलग था, अब सिलेबस क्या है, नया हो गया है। तो जब भी सिलेबस नया होता है ना, तो हमें कुछ समय लगता है उस सिलेबस को समझने में कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे मैथमेटिक्स 2 का अगर एक दो पेपर हो जाएगा ना, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा और मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि अपन को क्या क्या टॉपिक पढ़ना और क्या क्या टॉपिक छोड़ना है। तो बेटा मैथमेटिक्स 1 का रेफरेंस लेके, जैसे मैथमेटिक्स 1 में क्या था कि जो पुराने इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे उसी से क्वेश्चन आता था, तो यहां पर मैथमेटिक्स 2 में भी हम लोग यही करेंगे कि जो पुराने सिलेबस में इंपॉर्टेंट था उसी को इंपॉर्टेंट मानकर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप ढंग से कंप्लीट करने जाओगे बेटा तो ये सिलेबस आपसे कंप्लीट भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा 11 12 आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो भाई 11 12 तीन चार महीने में तो होने नहीं वाला ना, ठीक है। तो चलिए, घबराइएगा मत, जो प्लान मैं आपके लिए बना रहा हूं उस प्लान को बस आपको क्या करना, एग्जीक्यूट करना है, मेरा एक एक बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो हमारे बीटेक वाले होंगे प्यारे बच्चे, वो अपना M2 समझ के यहाँ पर आ गए होंगे। तो कोई बात नहीं बेटा, जितने बीटेक वाले बच्चे उनका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है M2 का, है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक M2 का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, तो जो बीटेक वाले बच्चे वो वहां पे चले जाएं, ठीक है। और जो हमारे डिप्लोमा वाले बच्चे वो यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए बेटा, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स 2 में आपको पढ़ना है मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहले पढ़ना है मैट्रिक्स। अब देखो, मैट्रिक्स में क्या है, कुछ नई चीजें सिलेबस में ऐड हुई हैं, जैसे कि आपका ये जो क्रैमर्स रूल है ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन भी क्या है बेटा, नया ऐड हुआ है। अब यहां पर एक बात आप समझना, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रैंक। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि विदाउट रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन को नहीं पढ़ सकते। अब आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस सिलेबस में है ही नहीं, तो भैया अगर आपको इस टॉपिक को कवर करना है तो सबसे पहले आपको रैंक कवर करना पड़ेगा, और अगर आपको रैंक कवर करना है तो फिर आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिलेबस में कैसे दिया हुआ, मेरे समझ के परे कि ये क्या है और क्यों है, क्योंकि अब मैं ये टॉपिक पढ़ाने आऊंगा बेटा कि चलो आज हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आ गया ये टॉपिक पढ़ाने के लिए। अब उस टॉपिक में क्या है बेटा, अपन को रैंक निकालना पड़ता है, तो उस समय मैं तो रैंक निकाल दूंगा, मुझे आता है कि भाई ये मैट्रिक्स है इसका रैंक कैसे निकलता है, लेकिन आपको थोड़ी ना पता है, ठीक है। तो यहां पर मैट्रिक्स में बेटा जो पुराने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वही आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि अभी अपन को थोड़ा सा वॉच एंड वेट करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा समय देके एक दो बार, जब तक M2 का पेपर ना हो जाए तब तक क्लियर नहीं होगा। लेकिन तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, तब तक के लिए जो आपका ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन हुआ करता था इंपॉर्टेंट, आप ये पढ़ सकते हो। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप पढ़ सकते हो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आप पढ़ सकते हो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ सकते हो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो हमेशा आता ही था क्वेश्चन में। तो ये जितने पुराने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना बेटा, ये जितने पुराने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आप करके जाओ। बहुत ऐसे बच्चे जिनके पास यूनिवर्सल होगा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास क्या होगा बेटा, यूनिवर्सल होगा। तो यूनिवर्सल में जितना मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है फिलहाल अभी आप उतना ही पढ़कर जाएं, क्योंकि जब तक पेपर नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं होने वाला कि हमें करना क्या है, ठीक है बेटा। तो फिलहाल अभी आप इतने टॉपिक्स को करके जाओ जो आपके पुराने यूनिवर्सल में है, ठीक है। तो यार थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा बेटा कि सिलेबस एक दो बार हो जाए एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जैसे मैथमेटिक्स 1 में हमने पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके गए थे वही सब क्वेश्चन आया था, तो यहां पर वेक्टर में भी करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी मतलब M2 में भी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये मेरा प्लानर, ये मेरा सोचना, क्योंकि मैं अपनी महानता दिखाने के लिए मैं आप लोगों को नहीं फंसा सकता ना, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया यूनिट 1 का। अब बात करते हैं यूनिट 4 वेक्टर अलजेब्रा। तो जैसे आप मैट्रिक्स पढ़ लोगे ना बेटा, उसके बाद आप क्या पढ़ लेना, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लेना, ठीक है। देखो, मैट्रिक्स पढ़ोगे, जैसे आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे ना आप क्या हो जाओगे, सेफ हो जाओगे।
क्यों सेफ हो जाओगे बेटा? मैं इसलिए सेफ बोल रहा हूं क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा आपका ये पुराना वाला सिलेबस ही है, पुराना वाला सिलेबस ही है पूरा, ठीक है। बाकी सब में तो ऐड हुआ लेकिन ये जो वेक्टर अलजेब्रा है इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहां पर आपको डेरिवेशन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे रिएक्शन पावर, यूनिट वेक्टर, बहुत सारे टॉपिक आएंगे बेटा। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, जो यूनिवर्सल में दिया गया पुराना उसी को आप पढ़कर जाओ, जितने भी टॉपिक वेक्टर के कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, ये बात आप समझो। क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जो पिछली बार था और इस बार भी है, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है, चाहे वो आपका वर्क डन का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका रिएक्टिव पावर का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपको ट्रायंगल वाला प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो। तो मानकर चलो कि जो यूनिवर्सल में है वेक्टर में वो आपको पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है, मैट्रिक्स का भी और आपका वेक्टर का भी, ठीक है। चले जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा आप आगे बढ़ोगे और आ जाओगे इंटीग्रल कैलकुलस में। अब देखो बेटा इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ना ये नया है, दिस इज योर न्यू पार्ट, ये आपका नया वाला पार्ट है, दिस इज योर न्यू पार्ट। और ये जो ऊपर में है ना बेटा ये आपका क्या है, पुराना वाला है। अब एक बात आप समझो, पुराने वाले सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस होते थे जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन, और एक जो टॉपिक था जो हर बार पूछता था वो था आईलेट। तो भैया जो पुराना इंपॉर्टेंट था उसी को बेस मानकर हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ के जाएंगे, आईलेट वाला क्वेश्चन भी करके जाएंगे, मतलब जो हमारे पुराने वाले यूनिवर्सल गाइड में था उसी को हम लोग करके जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। बाकी इसको करने की मैं सलाह आपको नहीं दूंगा क्योंकि एक बात समझना, अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन यहां से भी आएगा, लेकिन यहां वाले क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सर का दर्द करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना आप इस वाले को करो, क्योंकि देखो बेटा मानकर चलो कि अगर जितना भी पेपर होता है पूरा पेपर तो कोई नहीं करके आता, अगर आप 50% 60% भी करके आते हैं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप पुराने वाले जितने इंपॉर्टेंट हैं उसको अगर आप पढ़ के जाते हो आप आराम से 70% कवर कर लोगे और ज्यादा ही करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि M2 का पेपर M1 की तरह ही बनेगा, लेकिन एक डर होता है दिल में, तो डर को हम ये नहीं बोल रहे कि आप छोड़ दो, है ना, उस डर को मानकर चलो। तो जो पुराना वाला इंटीग्रल कैलकुलस उसको इतने अच्छे से करके जाना कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप बना दो। अब होगा क्या, पूरा सिलेबस पढ़ के गए क्वेश्चन आ गया बन ही नहीं रहा, क्या फायदा भाई, वेट एंड वॉच तो करना पड़ेगा ना। मैं अपनी महानता के लिए आपको नहीं फंसा सकता, जैसे मैं कोर्स में ही बात कर रहा हूं कि मेरे पास ये पार्ट बना हुआ था मैंने डाला लेकिन मुझे श्योर नहीं कि इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बच्चों को सलाह दिया कि भाई ऊपर वाला टॉपिक ही पढ़ के जाओ, ठीक है। मैंने अभी कुछ कटवाया लेकिन पढ़ने के लिए ये भी टॉपिक है, ये आपका पढ़ने का टॉपिक हो गया पूरा, ठीक है, ये आपका पूरा पढ़ने का टॉपिक हो गया, ठीक है, ये आपको पूरा पढ़कर जाना है। मैट्रिक्स में मैंने एक दो चीजें कटवाई है जैसे कि ये कटवाया, ठीक है, क्रैमर सूल में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो एक आध चीजें मैंने कटवाई लेकिन देखा जाए तो अभी तक मानकर चलो 80% चीजें हैं और 20% मैंने कटवा दिया, ठीक है बेटा। चलो अब बढ़ते हैं आगे, तो इसके बाद आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इतना बड़ा कर दिया है कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बच्चों को यही बोलूंगा बेटा कि जो पुराना था जिसमें आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, कोलिनियर वाले क्वेश्चंस होते थे, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन होता था, इक्वेशन ऑफ लाइन होता था, जो पुराने वाले टॉपिक्स थे, ठीक है, यहां तक मान के चलो ये सब पुराने वाले टॉपिक्स हैं। बाकी यहां से नया टॉपिक आया बेटा तो इसको मैं अभी अवॉइड करने की आपको सलाह दूंगा कि नए टॉपिक्स में हाथ मत लगाओ, जो पुराने वाले टॉपिक्स हैं, जो पुराने सिलेबस से मिलते हैं उसको आप पढ़कर जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं बेटा, अगर आप हाथ लगाने जाओगे तो फंस जाओगे, तो वो वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो जो पुराने टॉपिक्स थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपको वही करके जाना है, ठीक है। चल उसके बाद ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नया ऐड किया है, तो यहां पर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड मैंने डाल दिया, तो इसको आप पूरा पढ़ के जाइए, एक आध क्वेश्चन यहां से आ गया तो आपका काम बन जाएगा। तो कुल मिलाकर बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पुराने वाले यूनिवर्सल में जो चैप्टर्स आपके हैं उसको आप पूरा पढ़कर जाओ और मानकर चलो कि 70% क्वेश्चन आपका वहीं से आएगा, और अगर 70% क्वेश्चन आ गया तो आप 70% बना देना। फिलहाल अभी 100 का अपन एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 100 के पीछे भागोगे ना बेटा तो आप मानकर चलो 30 के लायक भी नहीं रहोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी बच्चे को अगर कोर्स चाहिए मैथमेटिक्स 2 का तो वो 499 में मिल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों हमारा 100 के सब्सक्राइबर हो गया है,
तो आप लोगों को मैं पार्टी देने वाला हूँ। पार्टी कहाँ पर होगा? भोपाल में, इंदौर में और जबलपुर में। तो जो बच्चा जहां से बिलोंग करता है, भोपाल वाला बच्चा है तो भोपाल के ग्रुप में ऐड हो जाए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। जो जबलपुर वाले बच्चे हैं वो जबलपुर वाले ग्रुप में ऐड हो जाए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और जो इंदौर वाले बच्चे हैं वो इंदौर वाले ग्रुप में ऐड हो जाए, ठीक है। चलो एक और कंसर्निंग सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसने बच्चों को परेशान कर रखा है, वो है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वो क्या है बेटा? आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब यार देखो एक बात आप समझो, हो सकता है फ्यूचर में मे बी कि आपका 5% चांस है, 5% चांस है कि मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आऊं। मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, हो सकता है इन फ्यूचर, एग्जाम आपका 10 जुलाई को, तो हो सकता है कि मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्रैश कोर्स लेकर आऊं बेटा। तो एक बात समझना कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो यूनिट वन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो यूनिट वन है, ये यूट्यूब पे डला हुआ है, तो कम से कम आप इतना पढ़कर रखिए, क्योंकि अगर इतना पढ़ लोगे तो कम से कम एक दो क्वेश्चन तो आप मैकेनिक्स के कर ही पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो यूनिट आप वन पढ़ के रखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। हो सकता है 5% चांस है, ना के बराबर चांस है, लेकिन एक चांस है कि अगर मेरे पास समय बच जाता है, 10 दिनों का भी समय बचेगा, तो आपके मैकेनिक्स का मैं क्रैश कोर्स ले आऊंगा। एग्जाम के गैप में आप पढ़कर उसे पास हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं तो वो मैं आपको बता रहा हूं। और आपके जो जूनियर्स आएंगे ना, जो आपके जूनियर्स आएंगे, उनको फिजिक्स वन का भी क्लास मिलेगा, केमिस्ट्री वन का भी क्लास मिलेगा, ठीक है, और आपका मैथमेटिक्स वन का भी क्लास मिलेगा। आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो थर्ड सेमेस्टर में जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स होंगे ना, तो उनके भी क्लासेस आपको मिलेंगे बेटा, क्योंकि अब डिप्लोमा भी हमारा मान के चलो कंसर्न हो गया कि नहीं, डिप्लोमा के बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाना है। जैसे बीटेक वाले बच्चों का बैच रनिंग में आ गया, डिप्लोमा वाले बच्चों का भी बैच रनिंग में आ जाएगा। तो आप अपने ग्रुप को ज्वाइन करें और दुआ करें कि आप 10 दिन का समय मिल जाए, ताकि आपका मैकेनिक्स का पेपर अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।